नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान बोलते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बाढ़ का जिक्र किया और जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा है वो सुनिए। जो चिंता व्यक्त की है कि बाढ़ की विपदा के कारण जो है राज्य सरकार को जो अन्य विकास कार्य में राशि खर्च हो सकती थी उसको मैं खर्चा करना पड़ रहा है। बाढ़ में इन्होंने कहा कि अभी तक 295 करोड़ रुपया वितरित किया जा चुका है। तो हम वित्त मंत्री जी से यह जरूर अनुरोध करेंगे और सदन मुझको लगता है इस पे सहमत होगा कि जो बाढ़ है इसको राष्ट्रीय समस्या माने, इसलिए कि जो नदियां हैं उस नदियां नेपाल से हिमालय से आती है। तो एक ये जाना चाहिए कि साहब राष्ट्रीय आपदा है और केंद्र सरकार इसका वहन करे। अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर शिक्षा पर सरकार इस वर्ष 34,798 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री की का निर्देश था 2013 में ही कि सभी पंचायतों में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ किया जाए। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी तक बिहार के अंदर 5,510 पंचायतों के अंदर और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ कर दिया गया है। और अब सरकार ने यह तय किया है कि बाकी बचा जो 2,876 पंचायत है, अभी भी अध्यक्ष महोदय 2,876 पंचायत ऐसी पंचायतें हैं जहां 75 डिसमिल जमीन भी उपलब्ध नहीं है। तो राज्य सरकार ने यह तय किया है कि अगले अप्रैल के पहले पहले उन सभी पंचायतों में जो पहले से वहां विद्यालय हैं वहां पर आवश्यकता होगी तो प्री फैब यानी फैब्रिकेट करके कमरों का निर्माण किया जाएगा। और मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि 2020 के अप्रैल तक एक भी पंचायत बिहार की नहीं रह जाएगी जहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होगा। और साथ ही साथ सौती महोदय, जमाना आईटी का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो पूछ रहे हैं सरकार से सवाल कि आखिर राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषणा करने की मांग करती है। बिहार का एक बड़ा हिस्सा, 25 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से हर साल प्रभावित होती है। इस बार भी बाढ़ का कहर कुछ इसी तरह बरप रहा है और 6,000 रुपए के मुआवजा देने के बाद बिहार सरकार के खजाने से जो पैसा दिया गया उससे खजाने का जो कि जो राशि है वो कम तो हुई ही। राशि आपदा घोषित कर देने से केंद्र सरकार से कुछ अधिक मुआवजा मिलता और उससे इस राशि को का भुगतान किया जा सकता था, मगर सरकार यह मांग नहीं कर रही। विपक्ष पूछ रहा है सवाल। कल जब सीतामढ़ी पहुंचे थे नीतीश कुमार और जायजा ले रहे थे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, तो वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के भी घर गए थे दरभंगा के अलीपुर में, उनके साथ भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का जायजा लिया गया था। अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्यों आखिरकार बिहार सरकार केंद्र से यह मांग नहीं करना चाहती। विपक्ष सदन में इस मुद्दे को उठा रहा है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे क्योंकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं हम। तो अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।